सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ये जो वीडियो इस ड्राइंग की थर्ड पार्ट है और इससे पहले इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल और फेस कलरिंग ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जरूर से देख लेना, वीडियो की लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो आज की इस ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शर्ट की जो व्हाइट पार्ट है, बेसिकली ब्लू पार्ट को छोड़ के बाकी जो भी एरिया है उसमें व्हाइट कलर से भर रहा हूँ। एंड देन डिफरेंस पार्ट को ऑब्जर्व करके जो भी व्हाइट पार्ट है, ब्लैक एरिया को छोड़ के जो भी शेडो गिर रहा है वो करने के लिए हल्का करके ब्लैक कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। और वो करने के लिए पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है यहाँ पर। और ब्लैक कलर से शेडिंग करने के टाइम एक चीज याद रखना है, पहले जो भी व्हाइट कलर से शेडिंग किए थे वो सूखना नहीं चाहिए, गीला होना चाहिए। और ब्लैक से शेडिंग करने के बाद ही एक सूखा हुआ ब्रश लेना है और उससे वो कलर को ब्लेंड करना है। और याद रखना, व्हाइट और ब्लैक कलर सूख जाने से पहले ही आप लोगों को ये चीज करना है। और क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक बहुत ही कम यूज कर रहा हूँ, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में ब्लैक से शेडिंग करने के बाद ही मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ, वरना वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगी। और एक बार ये चीज पूरे एरिया में हो जाने के बाद रिफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके अगर कहीं पर भी लाइट चाहिए तो वहाँ पर व्हाइट से शेडिंग करना है, और डार्क चाहिए तो वहाँ पर ब्लैक से शेडिंग कर लेना है, और उसको भी हल्का करके सूखा हुआ ब्रश से ब्लेंड कर लेना है। ओके, व्हाइट पार्ट कंप्लीट हो चुकी है और अभी सेम चीज यहाँ पर भी करना है। लाइक पहले बेस कलर देना है व्हाइट कलर और ब्लू कलर को मिक्स करके, एंड देन इसके ऊपर डार्क वैल्यू को देने के लिए ब्लू कलर के साथ ब्लैक कलर को मिक्स करके करना है, और लाइट एरिया में व्हाइट से शेडिंग करना है। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बेस कलर सूखना नहीं चाहिए, उसी टाइम आप लोगों को डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू को देना है, और वो देने के बाद ही आप लोगों को एक सूखा हुआ ब्रश से वो ब्लेंड कर लेना है। और बेसिकली यही टेक्निक यूज होता है हर एक एक्रेलिक कलर पेंटिंग में, और इसीलिए एक्रेलिक कलर पेंटिंग में पार्ट पार्ट वाइज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और एक बार सूख जाता है तो बेस कलर देने के बाद आप लोगों को फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पानी भी बहुत ही कम यूज करना है, और कलर सूख जाने से पहले ही आप लोगों को वो पार्ट्स कंप्लीट करना है। तो हमेशा एक्रेलिक कलर पेंटिंग में छोटे छोटे पार्ट को पकड़ने और उसको कंप्लीट करना है, एंड देन नेक्स्ट पार्ट में जाना है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हो, आप लोग ये चीज डेफिनेटली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैं ड्राइंग के शुरू से ही छोटे छोटे पार्ट पकड़ के कर रहा हूँ। तो बस इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स में भी अभी कलर करने हैं शर्ट के ऊपर, तो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग अच्छी तरीके से देखो।
ओके अभी मेसी के लेफ्ट हैंड में कलर करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर कलर करने के लिए फ्लेस्टिन कलर को किस तरीके से बना रहा हूँ वो आप लोग अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में कलर किस तरीके से क्रिएट करना है वो मैं नहीं दिखाया था। और फ्लेस्टिन कलर एक ऐसा कलर होता है कि हर एक पोर्ट्रेट ड्रॉइंग में आप लोगों को क्रिएट करना ही पड़ेगा, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पूरे हाथ के ऊपर ये फ्लेस्टिन कलर से भर रहा हूँ एंड देन इसके ऊपर डार्क वैल्यू को देने के लिए ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके शेडिंग करूंगा और लाइट वैल्यू को देने के लिए मैं व्हाइट कलर से शेडिंग करूंगा एंड देन वही चीज सूखा हुआ ब्रश से आप लोगों को ब्लेंड कर लेना है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस ड्राइंग की फाइनल पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।